हेलो बच्चों वेलकम बैक टू आवर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया आज हम लोग जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एक नई यूनिट के बारे में अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी यानी फर्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट कर लिया था अब हम बायोटेक्नोलॉजी की सेकंड चैप्टर से डील करेंगे यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इसके क्या क्या यूज है कहाँ कहां यूज है मतलब एप्लीकेशन क्या है अब कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो उसका यूज तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं आखिर तो इसका यूज इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि कहाँ यूज है कैसे यूज करते हैं किस किस जगह यूज करते हैं तो चलिए आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ता, को वेस्ट किए बायोटेक्नोलॉजी मतलब होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज का यूज करके हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम क्या करें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें उसका ताकि जो हमारे ह्यूमन मैनकाइंड है जो हमारी उसको क्या हो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पहुंचे अब ऐसे कौन से कोई भी ऐसा ड्रग बना सकते हैं मान लीजिए हमारे यहाँ जैसे इंसुलिन की बहुत ज्यादा डिफिशंसी है ज्यादातर लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं आपको अगल बगल या अपने फैमिली में ही कई मेंबर ऐसे मिल जाएंगे जिनको डायबिटीज होगा अब इसमें होता क्या है मेनली कि डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी होती है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता इंसुलिन के नहीं बनने से ये शुगर लेवल ब्लड में, जो शुगर हम उसके में देते हैं के, ताकि इंसुलिन क्या ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कंट्रोल कर सके और डायबिटीज से वो पर्सन को ठीक कर सके तो हम इंसुलिन को कैसे बना सकते हैं वो हम इसके बारे में यहां पर जानेंगे कैसे हम अपने डिजीजेस के बारे में जान सकते हैं कौन सी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है है या कौन सी बीमारी का क्या असर होता है हमारी बॉडी में वो जानने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मतलब तो यूजेस कहां कहां है तो हम एक ओवर देखते हैं कि कहां कहां यूज होता है बायो फार्मास्यूटिकल्स मतलब हम क्या करते हैं फार्मास्यूटिकल्स मतलब होता है दवाइयाँ बनाना तो दवाइयों को हम कैसे बना सकते हैं बायो फार्मास्यूटिकल्स मतलब हम लाइफ का यूज कर सकते हैं यानी कि फंगस का यूज कर सकते हैं वायरसेस का यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं और दवाई बना सकते हैं ऐसी जो कि हमारे लिए यूजफुल हो जैसे कि इंसुलिन देन थेराप्यूटिक्स मतलब हम किसी भी डिजीज को डायग्नोज मतलब किसी भी डिजीज़ का अगर डायग्नोज अगर हमने उसे डायग्नोज कर लिया है मतलब उसको पता लगा लिया है कौन सी बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी है तो थैरापिटिक्स मतलब किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं देन डायग्नोसिस डायग्नोसिस हम पी से कर सकते हैं अभी पी हाल ही में बहुत यूज़ था कोरोना के टाइम में तो हम देख रहे थे पी कैसे पी uh, का यूज़ करके हम यू पता लगा लेते थे कि उस पर्सन को क्या वो बीमारी है कि नहीं पी क्या करता है कि हमारे अंदर

तैयार करके उसको डायग्नोज कर सकते हैं डायग्नोज करना मतलब बीमारी का पता लगाना कि उस पर्सन को वो बीमारी है कि नहीं है देन जेनेटिकली ये सब अभी आगे पढ़ेंगे करके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब कोई भी ऐसी क्रॉप क्रॉप क्या होता है जो फसलें हैं उसका हम यूज करते हैं और उन क्रॉप्स को हम जेनेटिकली मतलब उनके जीन्स में जेनेटिकली मतलब उनके जीन्स में ऐसे चेंज ले आते हैं जिससे वो रेसिस्टेंट हो जाती हैं अब वो पौधे पे कीड़े लग जाते तो वो मर जाता बट उसके कीड़े से हम कैसे बचा सकते हैं तो उसके जीन्स में ऐसे चेंज ले आए कि वो कीड़े उस पौधे को खाएं और क्या हो वो मर जाए वो जीन्स जो है वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ना ही हम उनको खाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसे पहुंचाएंगे जो कीड़े उस पौधे पे लगते हैं उन्हें मार डालेंगे तो उन्हें बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे इसका एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे कि कैसे हम क्रॉप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं देन प्रोसेस्ड फूड का यूज कर सकते हैं मतलब नए-नए प्रोसेस्ड फूड का मतलब फूड में हम क्या जैसे है गोल्डन राइस अब ये चावल है चावल से हमें नॉर्मली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे मतलब अगर हमारे घर में हम देखते हैं तो राइस जो है एक इम्पॉर्टेंट फूड कंसिटेंट है हमारे डेली लाइफ में इसे कंज्यूम किया जाता है डेली बेसिस पे तो राइस जो है उसमें हम कैसे चेंज ला सकते हैं ये स्टार्च होता है इसमें हम इसमें और न्यूट्रिय कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गोल्डन राइस में हमने विटामिन ए Add कर दिया अब हमको चावल में विटामिन ए ए भी मिलेगी। और विटामिन A क्या है हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा क्या करती है मम्मी घर में, उसके घी में बनाती है गाजर का हलवा घी में क्यों बनाती है क्योंकि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है फैट में जल्दी से जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाता है तो अब ये क्या है गोल्डन राइस विटामिन ऐसा हमने बना दिया है वेराइटी चावल में हमको विटामिन

लाजी से यानी बायो मतलब लाइफ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम क्या सकते हैं रेमेडी उसकी दे सकते हैं यानी इलाज खोज सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं इनका यूज वो हम सारा आगे पढ़ेंगे इसको हम आगे पढ़ेंगे देन वेस्ट ट्रीटमेंट जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है कि हम लाइफ यानी कि बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं जो कि क्या करती हैं उसके वेस्टेज को कम करती हैं वेस्ट को कहा जाती है और अच्छी क्या देती है उसको ऑक्सीजन इफिशियंसी दे देती हैं मतलब पानी को साफ कर देती हैं तो वेस्ट के ट्रीटमेंट में जैसे सीवेज ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया का यूज़ होता है यानी लाइफ का यूज होता है इंजीनियर

सकते हैं तो ये तो रहे इसके कुछ बेसिक्स कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है तो अब हम एक-एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि कहां, -कहां यूज होता है अब देखिए कुछ मेन uh, बायोटेक्नोलॉजी में कहा रिसर्च हो रही है किस किस फील्ड में रिसर्च हो रही है तो तीन मेन फील्ड है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से काम कर रहा है एक है कैटलिस्ट कैटलिस्ट मतलब होता है कि कोई ऐसा एंजाइम जो रिएक्शन की रेट को फास्ट कर दे कोई भी हमको प्रोडक्ट चाहिए जैसे हमको अल्कोहल चाहिए अल्कोहल बनने में कई समय लगता है ठीक है कई दिन लग जाते हैं फर्मेंट होने के लिए कई महीने लग जाते हैं अच्छी अल्कोहल बनाने के लिए तो

कंडीशन दे सकते हैं इन कैटलिस्ट को कि अच्छे से काम करें एक पर्टिकुलर क्या होता है इनका जैसे हमारी बॉडी को भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहना होता है ना बहुत हाई टेम्परेचर हम सर्वाइव कर सकते हैं ना बहुत लो टेम्परेचर में हम सर्वाइव कर सकते हैं उसी तरीके से ये इन्जाइम्स भी क्या होती है ना कि इनका बॉडी पीएच एक मेंटेन होता है ना बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वामेंट में रहेंगी ना बहुत हर बैक्टीरिया का एक लिमिट होता है कोई बहुत एसिडिक पसंद करती है कुछ कोई बहुत बेसिक कोई इन्वामेंट बहुत हाई टेम्परेचर पर रहती है कोई बहुत लो टेम्परेचर पर रहती है तो सबका एक ऑप्टिमम कंडीशन होता है तो हमको वो प्रोवाइड करके उनको देना होता है कि किस कंडीशन में ये अच्छे से काम करती है उस टेम्परेचर को हमको प्रोवाइड करना पड़ता है और पीएच को देन डाउन प्रोसेसिंग तो डाउन प्रोसेसिंग इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था यहाँ मैं फिर से बता देती हूँ क्या होता है डाउन प्रोसेसिंग मतलब कि प्रोडक्ट बंद तो गया जैसे इंसुलिन बन तो गई लेकिन हम इसको प्रोसेसिंग कैसे करेंगे तो कैसे करते हैं हम इसको बचाने प्रिजर्वेटिव साइड करते हैं कि अब ये ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रखा जा सके ये नहीं कि आज आज हम बेचे मार्केट में गई और परसों खराब हो गई ऐसा ना हो उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव जैसे दूध क्या होता है कि फट ना जाए उसके लिए मम्मी उसको बॉयल करती हैं उसको प्रिजर्व करती हैं अचार सड़ ना जाए उसके लिए उसमें बहुत सारे ऑयल और विनेगर एसिड्स का यूज किया जाता है उसी तरीके से जो भी हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बनाएंगे जो भी प्रोटीन बनाएंगे उसका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं मतलब उसको पैकेट में पैकेजिंग करते हैं बाहर से और उसमें लेबलिंग करते हैं देन उसके बाद उसको प्रिजर्वेटिव डाल करके लंबे टाइम तक उसको बचा करके रखने की कोशिश होती है डाउन प्रोसेसिंग में ये क्या है कि कुछ प्लांट्स पे मतलब एग्रीकल्चर में कहाँ -कहा यूज हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का उसके बाद हम ये जानेंगे तो ये है देखिए कुछ प्लांट्स को कैसे इन्होंने क्या किया है इसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं कि ये हमारे लिए यूजफुल हो जाए तो देखिए एग्रीकल्चर पहले कैसे था पहले हम एग्रोकेमिकल एग्रोकेमिकल मतलब एग्रीकल्चर में केमिकल्स का यूज करते थे ये एग्रीकल्चर केमिकल्स कौन है तो ये है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स

ये सॉइल के न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करते हैं बट साथ साथ क्या करते हैं प्लांट को भी डैमेज करते हैं प्लांट के अंदर चेंजेस आ जाते हैं प्लांट में भी वो केमिकल जाते हैं और अल्टीमेटली वो हम जब उन्हें खाते हैं उन क्रॉप्स को जैसे कि उन फसलों को जब हम खाते हैं तो हमें भी ये नुकसान करती है कहीं ना कहीं जिसके वजह से आज के टाइम में हम देख रहे हैं क्या कि कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया है नॉर्मल लोग जो है बहुत कम जैसे ज्यादातर लोगों को कैंसर की बीमारी हो जा रही है तो ये क्यों हो रहा है क्योंकि इतना ज्यादा जो हम खाना खा रहे हैं वही ठीक नहीं है उसमें केमिकल्स हैं तो हमने क्या किया ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी हम प्लांट को सुधारने की कोशिश की है और उस पे कोई केमिकल का यूज करना ना पड़े तो वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है कि हम अच्छे अच्छे मतलब क्या है कि एग्रो बेस्ड यानी कि हम डंग या ऐसे चीजों को यूज करें जो जो हार्म ना पहुंचाएं प्लांट्स को और हमको देन जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप अब कर सकते हैं क्रौप्स को? क्रौप्स को हम ऐसे चेंज ले आए कि उनको कीड़े लगे ही नहीं तो हमको पेस्टिसाइड की क्या जरूरत पेस्टिसाइड उन पेस्ट को मारेगी पेस्ट क्या है कीड़े जो लग जाते हैं पौधों को उनको मारती है ये केमिकल है जो कीड़ों को मारती है जो पौधे में लग जाते हैं बट हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर उन क्रॉप को तो उसमें वो कीड़े लगेंगे ही नहीं मतलब उसके जीन्स में ऐसे चेंज ले आए कि वो अगर कीड़े उन पौधों को खाने जाएं तो वो खुद ही मर जाएं। देन उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हम सब जानते हैं कि हरित क्रांति हरित क्रांति में क्या आया था कि हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर रहे थे खेती कर पा रहे थे क्या राइस की वैरायटी वीट की वैरायटी बहुत ज्यादा उत, इनका उत्पादन हो रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन में बट ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था इसमें ज्यादा से ज्यादा हम किसका यूज कर रहे थे टूल्स तो और टेक्निक्स का यूज कर रहे थे मतलब क्या हो गया था बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया लोगों ने बहुत सारे केमिकल्स फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज किया लोगों ने कुछ नई वरायटी मतलब ऐसे ऐसे क्रॉप्स आई जिसमें थोड़ी वेरायटी में चेंज थी उनकी वरायटी अच्छी थी अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स यूज करने लगे लोग और ज्यादा से ज्यादा खेती हुई इस टाइम में बट कुछ समय बाद क्या देखा गया कि सॉयल

और डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को इस डीएनए के छोटे से सेगमेंट को जीन्स बोलते हैं ही प्रोटीन बनाने का काम करती हैं डीएनए की एक छोटी सी से सेगमेंट को हम क्या कहते हैं जो कि प्रोटीन बनाने का काम करती हैं तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि उन्हीं जीन्स का यूज कर रहे हैं उन्हीं जींस में चेंज ले आ रहे हैं हम हाँ, अपनी प्रोटीन डिजायर्ड प्रोटीन बनाएंगे जो हम चाहेंगे वो प्रोटीन बनेगी इनके जीन्स में चेंज ले आ करके उनको मॉडिफाई किया जा रहा है मॉडिफाई मतलब चेंज ला रहे हैं अच्छा बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म मतलब उस ऑर्गे ऑर्গানিज्म को मतलब प्लांट है या फिर एनिमल है उसको हम क्या कर रहे हैं उनके जीन्स में चेंज लाके उनको मॉडिफाई कर दे रहे हैं इसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ठीक है अब इसमें क्या हुआ इनके यू जीएमओ का यूज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहां-कहां इनका यूज होता है इससे क्या फायदा हुआ हमको क्या फायदा हुआ इससे फायदा ये हुआ कि बहुत ज्यादा टॉलरेंट हो गए वैरायटी मतलब जो प्लांट थी वो हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर जा रही थी अब ये अगर टेम्परेचर अब देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो गई ना तो टेम्परेचर क्या हो गया अभी देखिए फैब के महीने में हम क्या देख रहे हैं कि इतनी गर्मी हो गई पहले तो बहुत ठंड होती थी तो ये क्या है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो चेंज आ रहा है क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो रही है तो ये टेम्परेचर टॉलरेंट हो गए ये प्लांट मतलब कोई भी टेम्परेचर अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो वो टा टॉलरेट कर ले रहे हैं पहले ऐसा नहीं हो रहा था वो थोड़ा भी टेम्परेचर क्या हो रहा था चेंज हो रहा था तो खराब हो जा रही थी प्लांट अब हमने उसकी जींस हंसी बना दी है कि हाई ना थोड़ा जैसे जो टेम्परेचर था मान लीजिए उनको टेम्परेचर चाहिए पच्चीस डिग्री से अप्रोक्स थर्टी तो अब ये फोर्टी टेम्परे फोर्टी डिग्री भी सह जा रहे हैं और माइनस मतलब टेन डिग्री सेल्सियस तक भी सह जा रहे हैं तो टेम्परेचर टॉलरेंस इनका बढ़ गया है और हम देख रहे हैं कि रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल्स केमिकल्स जो यूज हो रहे थे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उनका हम क्या कर रहे हैं उनसे अब हम उनकी जरूरत नहीं है हम, हमारे प्लांट ऐसे ही जिंदा रह जा रहे हैं क्यों क्योंकि अब ये पेस्ट से खुद ही रेसिस्टेंस शो कर रहे हैं इनके जो प्लांट हैं जो हमारी प्लांट है उसमें जब ये कीड़े लग रहे थे तो ये खुद ही खा करके खुद ही मर जा रहे हैं इनको किसी केमिकल की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हमने इनके जीन्स में ऐसा चेंज ले आया है कि जो भी प्लांट के जो भी कीड़े इन प्लांट को खाएंगे वो खुद ही मर जाएंगे कैसे मरेंगे वो भी अभी हम जानेंगे Then हमने क्या देखा कि पोस्ट जैसे करने के बाद मतलब खेती में से जब जब अनाज को बाहर निकाल लिया तो उसके बाद जब हम स्टोर करके रखते हैं बड़े से हाउस में इसको स्टोर कर दिया जाता है अनाज को स्टोर करके रख देते हैं तो क्या होता है कुछ समय बाद वो खराब होने लगती है तो हम हमने उस वैरायटी में ऐसे चेंज आए हैं कि ये कई कई महीनों तक कई कई सालों तक स्टोर रहती है और जल्दी खराब नहीं होती और उसके बाद क्या किया कि इंक्रीज इफिशियंसी मतलब कि जो सॉइल में अगर कम न्यूट्रिशन भी है तो उसका भी प्लांट अच्छे से उपयोग कर पा रहे हैं कम न्यूट्रिशन वैल्यू में भी प्लांट अच्छे से उग जा रहे हैं जिसकी वजह से हमको सॉइल के फर्टिलिटी चेक नहीं करनी पड़ेगी बार बार मतलब अगर सॉयल में कम न्यूट्रिय भी बचे हैं तब भी उसका अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे सारे न्यूट्रिय सॉयल से ले करके और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे ये प्लांट्स मतलब कि सॉयल में कम भी न्यूट्रिशन होगा तब भी ये खेती अच्छे से कर सकते हैं देन इन्हांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं जैसे कि हमने अभी पढ़ा था गोल्डन राइस में हमने क्या कह दिया विटामिन ए रिच राइस बना दी कभी विटामिन विटामिन नहीं मिलते हमको राइस से हमें क्या मिलता है राइस से स्टार्स मिलता है कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स मिलते हैं बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं अब हमको विटामिन ए भी मिल रहा है चावल खाने से ये है गोल्डन राइस हमने प्लांट में एक विटामिन भी ऐड कर दिया कि अब उस प्लांट को जो भी खाएगा उसको विटामिन भी मिलेगा अलॉन्ग विथ कार्ब्स ठीक है तो दिस इज द होल क्या हमें फायदे हुए क्या क्या फायदे हुए क्या करने से तो ये ऑप्शंस में आ सकते हैं आपको कि इसमें से आ जाएगा चार ऑप्शन के एक ये है ये है और ये है एक और कोई ऑप्शन आ जाएगा कि क्या क्या इसमें से कौन कौन से फायदे हमें हैं प्लांट से या कौन सा इसमें से ऐसा है कि हमको मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्या फायदा है और क्या फायदा नहीं है तो वो आपको पता होना चाहिए ये या आपको याद करना होगा देन हम पढ़ेंगे के बारे में मतलब यानी कि बीटी कॉटन बीटी कॉटन क्या है एक क्रॉप की वैरायटी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं नॉर्मल रूप से ये प्लांट देख रहे हैं आप इसमें हम देख रहे हैं कि एक प्लांट का ये क्या है ये प्लांट जो है ये कॉटन का है मतलब रूई का प्लांट है पौधा तो इसमें क्या है कि कॉटन निकल रही है और दो बॉल्स इसकी खा ली गई हैं किसके द्वारा खाई गई है तो एक कीड़ा है जिसको ये खा जिस कीड़े ने इसको खा लिया है

तो इन्होंने एक टेक्निक ढूंढ निकाली जिससे हम क्या कर रहे थे कि प्लांट्स को ठीक कर दे रहे थे कैसे ठीक कर रहे थे देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक प्लांट है दिस इज अ प्लांट प्लांट क्या होता है पौधा है और ये पौधा है किसका कॉटन का पौधा है ठीक है और ये है इसकी कली कुछ इस तरीके से होती है ठीक है तो ये क्या है ये अगर स्प्राउट कर मतलब फटेगी तो उसमें से निकलेगा कॉटन बट इसी को कौन खा जा रहा है इसी को ये कीड़ा जो है कि खा जा रहा है ठीक है कौन सा कीड़ा है ये तो ये है आ, इस कीड़े का नाम क्या है तो कॉटन का क्योंकि कॉटन को खा रहा है तो इसको कॉटन बॉल क्योंकि कॉटन की बॉल है उसको खा जा रहा है तो इसको बोलते हैं कॉटन बॉल वॉम वॉम है वॉर्म मतलब रेंग के चलने वाला कीड़ा है तो इसको खा जाता था अभी खा के इसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा था तो हमने प्लांट के अंदर इसके जीन्स में इसके जीन्स में ही ऐसे चेंज ले आए कि इसको जो भी खाएगा वो क्या हो जाएगा चूर चूर हो जाएगा मतलब हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा जो भी खाएगा उसको वो कीड़ा मर जाएगा खुद ही क्यों खा अब ये आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जीन्स इस प्लांट को क्यों नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये जीन्स जो थे ना जो हमने बाहर से निकाल के इनके अंदर डाला इन इन प्लांट्स के अंदर हम डाल रहे हैं इसको ये जीन्स जो थे वो एक्टिव नहीं होते हैं इनको बोलते हैं प्रोटॉक्सिन्स ये जो रहा है आपको। मेरे जो है थोड़ी सी है है थोड़ी आपको समझना होगा कि ये कीड़ा है जो खा रहा है इस कॉटन के प्लांट को तो प्रोटॉक्सि प्रोटॉक्सिन्स प्रो मतलब क्या है कि ये टॉक्सिन अभी एक्टिव काम नहीं कर रहे हैं अभी ये क्या है कि ये टॉक्सिन जो है ये टॉक्सिन टॉक्सिक क्या होता है ये पॉइजन है एक तरीके का इसके ऊपर एक कवरिंग होती है समझ लीजिए कि इसके ऊपर एक कवरिंग है इस दवा के अंदर एक मतलब इस जीन्स के अंदर एक कवरिंग है जो अभी एक्टिव नहीं है जैस इसी को बोलते हैं प्रो प्रो मतलब अभी ये एक्टिव नहीं है जब ये कीड़ा कीड़ा कौन है तो यह कॉटन बॉल वॉम जब इसको खाता है इस जीन के अंदर ये जीन इनके अंदर जाता है तो इनके जो पेट में जो एल्लाइन पी होता है एल्कलाइन मतलब क्या बेसिक एल्कलाइन पीएच होता है किसमें तो इनके गट में गट में मतलब इनके इंटेस्टाइन में कैसा होता है ये अल्कलाइन पीएच की वजह से ये क्या होता है इसके बाहर की जो कवरिंग है जो इसको अभी टॉक्सिक नहीं बनने दे रही थी वो हो जाती है गायब और ये अल्कलाइन पीएच की वजह से ये जो बाहर की कवरिंग थी वो हो गई गायब और अंदर का टॉक्सिक आ गया टॉक्सिन जो है वो बाहर आ गया और ये टॉक्सिन इनके पेट में जैसे ही गया इनको मार डाला और ये कीड़ा गया मर

अब आप सोचोगे कि हम भी खा रहे हैं तो हमारे भी तो इंटरस्टाइन में अल्टीमेटली अल्कलाइन पीएच है तो हमको भी मर जाना चाहिए हम भी तो ये आ, मतलब ये कॉटन का प्लांट हम जैसे हम देखेंगे कि बीटी हमने बीटी राइस या बीटी कॉर्न या या फिर बीटी टोमेटो पोटैटो ये सब बना रखा है तो अल्टीमेटली ये भी तो हमारे पेट में जाएंगे तो हम क्यों नहीं मरते हमें क्यों नहीं ऐसा नुकसान होता है क्योंकि हमारे स्टमक में एसिडिक इन्वॉल्वमेंट होता है ये प्रोसेस नहीं होती उसमें हमारे स्टमक में पहले एच होता है जो कि इनको एसिडिक इन्वॉलमेंट की वजह से क्या होता है कि इसको कोई असर ही नहीं होता इसकी जो कवरिंग है वो ऐसे मेंटेन रह जाती है और ये हमारे पेट में से बाहर चला जाता है और बिना इससे इसका कोई जीन्स का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता है ठीक है तो इस तरीके से ये जीन्स काम करती हैं अब इन जीन्स का नाम क्या है जो टॉक्सिक केमिकल्स बना रहे हैं उनका नाम है क्राई जीन्स ठीक है क्राई मतलब क्या है रोना यहाँ क्या है क्राई जीन्स इनका नाम ही है ठीक है जीन्स को हमेशा कैपिटल लिखते हैं और इनसे जो प्रोटीन बनती है वो हमेशा स्मॉल आर वाई स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे अब इनसे कौन कौन सी टॉक्सिन्स बन रही हैं देखिए पहले हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है देखिए एक बैक्टीरिया है

इसके बैक्टीरिया से हमने कहाँ डाल दिया इस प्लांट में अब ये क्या है देख रहे हैं आप कॉटन की बॉल है ये कॉटन की बॉल है जिसको ये कौन खा रहा है यही है हमारा कीड़ा ये है हमारा कीड़ा जो खा जा रहा है कॉटन के प्लांट को अब इसका जो हमने हम इस, इस बैक्टर से, इस बैक्टीरिया से हमने ये केमिकल को निकाला इस डीएनए को निकाला और डाल दिया हमारे प्लांट के अंदर अब इसको जो भी कीड़ा खाएगा तो यहाँ पे कौन है तो यहाँ पे बॉल वार्म है कॉटन बॉल वार्म है जो इस बॉल को खा रहा था ये बॉल जो है ना जब ये जब ये फटती है तो इसमें से कॉटन निकलता है और ये दोनों बॉल जो है वो खा लिया गया है इन कीड़े के द्वारा ये ये बॉल को अगर खा लिया जाएगा तो ये स्प्राउट नहीं करेंगे हमें कॉटन नहीं मिलेगी ईल्ड कम हो रही थी मतलब जो उपजाऊ जो हमें जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिल रहा था बहुत सारी खेती का जो फल मिल रहा था वो नहीं मिलेगा इन कीड़ों की वजह से तो इन कीड़ों को हम क्या कर रहे हैं मारने की कोशिश कर रहे हैं किसके द्वारा तो इस इसमें जो जीन्स थी उनका उपयोग करके ये कैसी हैं टॉक्सिक जीन्स हैं इनका नाम बैसिलस जिनासिस नामक बैक्टीरिया से इनको निकाल के हमने प्लांट के अंदर डाल दिया और प्लांट के अंदर डाल के क्या किया अब इसको जो भी खाएगा ये खाएगा बॉलवॉम और ये जाएगा मर ठीक है इसी तरीके से हमने क्या किया कि बहुत सारी वैरायटी बना ली बीटी कॉटन बीटी यहाँ पे क्या है का जीन्स यूज कर रहे हैं हम इसलिए इसी नाम रख दिया है बीटी कॉटन बीटी कॉर्न बना लिए भुट्टे बीटी राइस बना लिया बीटी टमाटो बीटी पोटैटो ठीक है तो ये सब हमने बना लिया ओके मतलब पोटैटो टोमेटो टमाटर और क्या है आलू ठीक है अब हमने क्या लिया क्या यूज किया इसके अंदर कौन कौन से टॉक्सेंस थे इसके अंदर बहुत सारे टॉक्संस थे

और किसको मार रही थी जो भी दो पंख के एनिमल है हाउस लाइक को ठीक है और ये जो है हमारा लेबिडॉग टेरेंस यही मार रहा था किसको ये मार रहा था हमारे कॉटन वॉर्म के बॉल वॉर्म को बॉल वॉर्म ठीक है ओ बॉल, बॉल वॉर्म और किसको मार रहा है आर्मी वॉर्म इन सबको मारने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये लेपिडॉग टेरेंस नाम की टॉक्सिन ये टॉक्सिन के नाम है जो किल कर रही हैं अब बीटी टॉक्सिन में क्राई जींसिबल होती है ये क्राई जींस है जो ये जीन है डीएनए का एक सेगमेंट है डीएनए का एक सेगमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किलिंग के लिए ये टॉक्सिन बनाने के लिए तो ये दो तरीके की है एक है क्राई सेकेंड ए एक है क्राई सेकेंड ए बी क्राई सेकेंड ए जो है वो मार रही है कॉटन बॉल वॉर्म्स को और क्राई सेकेंड ए जो है वो मार रही है कॉर्न बोरर को अब ये जो था बॉल वम जो है ए, ये एसी मार रही है को, तो बॉलवॉम हमने देख लिया ये है बॉलवॉम ठीक है ये कीड़ा है बॉलवॉम और हमने देखा कॉर्न बोरर क्या है कॉन कॉर्न ट्राई सेकेंड एबी जो है वो कॉर्न बोरर को मार रही है तो ये देख रहे भुट्टे का पौधा है कॉर्न मतलब क्या भुट्टा तो इसको छेद करने वाला जो बैक, जो इसको छेद करने वाला जो वॉर्म होता है रेंग के चलने वाला जीव उसको वॉर्म बोलते हैं वो है हमारा इसको बोलते हैं कॉर्न बोरर बोर मतलब उसमें छेद करने वाला जो कीड़ा है उसको भी हम कॉर्न की वैरायटी को ऐसा बना देंगे जिससे ये जब भी इसको खाएगा और ये मर जाएगा ये कीड़ा ठीक है अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या अब एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं हमने कौन से जो हम अभी पढ़े थे ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो ये अभी बीटी कॉटन या फिर बीटी राइस या बीटी जो भी हमने पोटैटो टोमेटो पढ़ा वो सब क्या थे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड थे उनके जीन्स में हमने मॉडिफिकेशन लगाई उसी तरीके से अब हम यहाँ देखेंगे कि हम टोबैको के प्लांट में उसके रूट्स को बचाने के लिए टोबैको टुबा, क्या होता है टोबैको वही टोबैको जो समझ गए ना तो वही टोबैको है जिसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पे

ये है हमारा नेमाटोल जैसे कि हमारे ऊपर जुएं पड़ जाती हैं वो और उसे बोलते हैं जो शरीर के बाहर रहे जैसे कि जुएं उसको बोलते हैं एक्जोपेरासाइड और जो शरीर के अंदर रह करके हमारा न्यूट्रिशन ले उनको बोलते हैं एंडोपेरासाइड तो ये जो है नेमाटोड नेमाटोड मतलब कि एक वार्म है वो क्या करता है हमारे अंदर रह करके किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट में ये रहता है और क्या करता है उनको परेशान करता है उनकी लाइफ के लिए हार्मफुल होता है तो हमने देखा कि टोबैको में भी एक ऐसा ही वॉर्म था, था तो इसका नाम था स्पीशीज का नाम है और एक तरीके का नेमाटोड है इसका साइंटिफिक नेम है आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और क्या है ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है टोबैको के रूट्स में हम देख लेते हैं टोबैको के रूट्स को आपके एनसीआर में भी ये डायग्राम दिया हुआ है सो दिस कैन बी आज ओके ये क्या है कि टोबैको के रूट्स में क्या करते हैं इसके रूट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं इसके अंदर रहेंगे रूट्स के अंदर और ऐसे टॉक्सिक जीन्स बनाएंगे जो इसके रूट्स को खराब कर देंगी अब रूट्स खराब हो गया तो अल्टीमेटली प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और प्लांट की क्या हो जाएगी डेथ तो हमारा जो ईल्ड है जो उपजाऊ जो हमको लास्ट में जो इतनी सारी खेती मिल रही थी जो उसकी उपजाऊता है वो कम हो जाएगी वो ईल्ड कम हो जा रही थी सारे क्रॉप्स खराब हो जा रहे थे तो ये हमारा जो कॉटन प्लांट उसमें हमने जेनेटिकली मोडिफाई कर दिया इनको ये जो नेमाटोड का ये जो जीन्स बन रहा था ना उसके साथ हमने मिला दिया किसका एग्रोबैक्टर एग्रोबैक्टम ट्यूमिफेशियन सुना सुना सा लग रहा होगा ये भी हमने कहाँ पढ़ा है इसके पहले वाले चैप्टर में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एक बैक्टीरिया है जो कि ट्यूमर कॉज करता है इसके अंदर एक प्लाज्मिट बनता है ये प्लाज्मिट देखिए अब देखते हैं बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है एक बैक्टीरिया है

ये प्लास्मिड किसको बोलते हैं जो इनके नॉर्मल डीएनए के अलावा एक और डीएनए होता है इनके पास दो डीएनए होता है ना तो दूसरा डीएनए को हम बोलते हैं प्लास्मिड और इसके पास एक क्या था एक जीन था जो कि क्या कर रहा था एक डीएनए एक एक, एक आरएनए प्रोड्यूस कर रहा था जो कि हमारे लिए मतलब एक इसके, ये जो जीन था ये क्या कर रहा था एक मैसेंजर प्रोड्यूस कर रहा था जो कि बना रही थी प्रोटीन जो कि टॉक्सिक थे हमारे बॉडी के लिए हमें ट्यूमर कॉज कर रही थी या प्लांट्स को ये ट्यूमर कॉज करते हैं आपने देखा होगा कि प्लांट्स के ऊपर ऐसे पत्तियों पे छोटे छोटे बबल्स जैसे निकले होते हैं ना वही होता है उनको सिट्रस कैंकर बोलते हैं कैंसर उनको हो जाता है इन्हीं इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से कौन है ये बैक्टीरिया आ, ये है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी ठीक है अब हमने क्या किया नेमाटोड जो था उसके अंदर भी क्या था एक टॉक्सिक जीन था वो प्लांट के अंदर रह रहा था, था ये है प्लांट प्लांट की रूट्स पे क्या कर रहा था डिजीज फैला रहा था अब ये बैक्ट... ये जो इसके अंदर जो नेमाटोड था इस नेमाटोड को हमने निकाला हियर इस नेमाटोड को हमने इसके नेमाटोड में हमने क्या डाल दिया ऐसी जीन डाल दी इसके पास क्या था एक देखिए इसके पास था एक डीएनए

कि इस टीआई प्लाज्मिट को निकाल दिया इसके बुरी जो ये बुरी थी बुरा जो था उसको निकाल के इसके अंदर डाल दिया हमने अच्छा प्लाज्मिड ऐसा डाला ऐसा इसके अंदर आर डाला जो क्या हो जाके इससे कॉम्प्लीमेंटारिटी शो करे इसके साथ क्या करे इसका दोस्त बन जाए और ये अंदर जैसे ही हमने इसके नैमा के अंदर ये प्लाज्मिट डाला ये क्या कर गई इसकी बन गई दोस्त जैसे ही बन गई इसकी दोस्त जैसे ही हमारे लिए डबल स्टैंडर्ड हो गया इससे बनी नहीं प्रोटीन और जैसे ही हम कहते हैं कि संगत का असर होता है ये बुरा प्लाज्मिक था ये व्हाइट वाला क्या था बुरा था हमने एक अंदर अच्छी प्लाज्मिक भेज दी अब हमने क्या किया था एग्रोबैक्टीरियम बुरा था ना उसके अंदर हमने उसकी जो डिजीज कॉज वाली प्लाज्मिक थी वो निकाल के इसके अंदर अच्छी प्लाज्मिक डाल दी अब ये जाकर के क्या किया इससे पेयर बना लिए रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जा कर के इससे पेयर बना लिया इससे क्या किया कॉम्प्लीमेंटारिटी शो किया जैसे अगर यहाँ ग्वानोसिन थी तो यहाँ पे क्या होगा साइटोसिन जाके बाइंड कर दिया यहाँ क्या था यूरेस था तो यहाँ एडेनिन जाके बाइंड कर गया ऐसे करके पूरा दूसरा अब हमारा अकेला होता तब तो प्रोटीन बनाता हमने इसको कर दिया डबल स्टैंडर्ड मतलब इसकी दोस्ती एक अच्छे आदमी से करा दी तो ये भी अच्छा बन गया इससे प्रोटीन जो टॉक्सिक प्रोटीन अभी तक बन रही थी जो इसके रूट्स को मतलब टोबैको के रूट्स को खराब कर रही थी वो अभी नहीं खराब करेगी प्लांट हमारा बच गया मतलब बेसिकली हुआ क्या कि ये जो जीन्स था टॉक्सिक जीन प्रोड्यूस कर रहा था उसके साथ ये जो हमने अच्छा अच्छा इसके जगह इसके जगह ये बैक्टीरिया था इसमें बुरी प्लाज्मिक थी वो निकाल के हमने अच्छी प्लाज्मिक डाल दी उससे अच्छा एम आर बना और ये अच्छा एम आर जब बुरे एम आर के साथ पेयर बनाता है तो हमारी जो टॉक्सिक प्रोटीन थी वो ना बना करके क्या हो हमारा प्लांट जो है वो बच गया देखिए हमारा जो रूट था ना यह है रूट हमने इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिस को डाल दिया मतलब अभी जो नेमाटोड था उसके जीन्स में हमने क्या कर दिया उसके जीन्स में चेंज ले आए और अब यह नेमाटोड से कितना भी इसके रूट में इन्फेक्शन होगा लेकिन इस प्लांट को कुछ नहीं होगा इसकी रूट खराब नहीं होगी ठीक है और ये रूट्स हमारे बच जाएंगे तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर हम खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें हम ये चैप्टर खत्म करेंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच